हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं दूसरा पार्ट। वीडियो है मोस्ट एडवांस ट्रेन ऑफ पाकिस्तान। तो हम भी बड़े इंटरेस्टेड हैं, हमको भी देखनी है कि मोस्ट एडवांस मतलब इससे ज्यादा एडवांस्ड और कोई ट्रेन नहीं है। मोस्ट लाइकली चाइनीज, चाइना से ली होगी। हाँ, मैं बोल तो रही थी, मैंने एक वीडियो का कहीं के क्लिप देखा था जिसमें उनके पास वंदे भारत टाइप की मैंने देखी थी जो चाइनीज चाइना से आई हुई वो बोल रहे थे, पर वो बहुत छोटा सा बस उसमें था, मैंने पूरी देखा नहीं था। पर मैंने ये देखा था कि उसमें भी वो रोटेट होती है, बस इतना पार्ट मैंने देखा था। और मैं कहता मैं एसी भी होता है, पंखे भी होते हैं, वो मुझे नहीं पता। वो हमने इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना वो दूसरे चैनल के अंदर होगा। किस चैनल के अंदर होगा वो मुझे नहीं पता है। आपको तीनों चैनल सब्सक्राइब करने पड़ेंगे, तीनों चैनल्स के लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले फर्स्ट पार्ट इसका देख लेना, क्योंकि फर्स्ट पार्ट पहले आएगा, सेकेंड पार्ट हम बाद में देख रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है बैकअप प्लान था उनका कि अगर एसी बंद हो जाए तो पंखा अवेलेबल हो। कुछ भी बोले, अपना लॉजिक लगाई जा रहे हैं। आपने पहले फर्स्ट पार्ट देखे और तब समझ में आएगा कि कौन सा एसी और बैकअप प्लान की बात हो रही है, तब आपको समझ में आने वाला है। पर वो फर्स्ट पार्ट किस चैनल पे है वो मैं कह रही हूँ कि आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। बाकी तीन चैनल्स लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और उसके बाद दोनों बाकी दो चैनल्स में भी जाकर देखना कि कहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट आया है। ओहो, हंस हंस के दो तीन जगह पे पागल हो जाओगे। और फिर जो पाकिस्तानी आके देख के कमेंट्स भर भर के कर रहे हैं ना, भैया बताओ वहां पे हंसना हंसे नहीं तो क्या करें, रोए क्या, बोले वाह वाह। ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, इसमें कोई हेटेड की कुछ गुंजाइश नहीं। मैं सच बताऊं, उसमें जो वो ओल्ड आदमी थे ना जिन्होंने बताया कि मैं वहां इंडिया से आया था और कितना मेरा जो उसने बोला था, इवन आई फेल्ट मुझे भी बुरा लग रहा था कि कितना गंदा काम किया जिन्होंने भी पार्टीशन किया था। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एसी पार्लर वो तो आपकी है कि उससे ऊपर भी होता है कुछ। तो अगर आप लोग पाकिस्तान से तो बताना भैया एसी पार्लर टॉप मोस्ट है। ग्रीन लाइन ही कहते ने, ग्रीन लाइन कहते ने, मतलब लाइन नहीं ट्रेन दा नहीं ग्रीन लाइन है भाई, कंफ्यूज ना होयो। ते आ गई कराची तो लाहौर, हुन इतो सीधा लाहौर ही रहूगी, मैं लगा 2.5 3 घंटे लाऊगी। कराची टू लाहौर सौ के नेड़े तेड़े चलदी है, 100 105 10। तो कराची, ये कराची में थोड़ी कोई है, कौन सी जगह बोली थी कराची से, पर कराची से यहाँ आई है क्या कि यही कराची है? कराची है क्या? कुछ नॉर्मल डब्बे भी है जी, जो लोग सीधा चक्की खड़े हैं, बारियां बूरियां ग्रीन लाइन में भी दूसरे हैं, चार तरह की क्लासें ने। एसी पार्लर डब्बा तो एसी स्टैंडर्ड उर्दू में लिखा है, नीचे देखो ना नीचे लिखा है, हां लिखा है एसी स्टैंडर्ड मरगला 5 UP इधर नंबर लगता है ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा, मतलब एसी पार्लर ये बिजनेस क्लास है। एसी पार्लर केड़ा जी? एसी पार्लर बिजनेस क्लास में डिफरेंस क्या है? चलो जी चलो आगे आगे। अरे बिजनेस क्लास बेटर है कि एसी पार्लर? ये भी तो पूछो, हमें पता तो चले इससे बेटर भी कोई है क्या? ये बिजनेस क्लास थी, ये पार्लर। ये बताना बिजनेस क्लास बेटर है कि पार्लर? अच्छा खन्ने वाले है खुशी हो जी। एसी पार्लर थी ना, वही पॉइंट है, पंखे की जरूरत नहीं। एसी पार्लर तो नहीं बोला, पार्लर बोला है।
ये एसी पार्लर बोल उसमें आपको पंखा नहीं चाहिए अगर एसी है तो देखो आ सीट है इनु चाहिए इदा घुमा लो घूम भी जाती है सारे पासे ते हर एक सीट दे पीछे ना स्क्रीन अच्छा पूरी उल्टा भी घूमती है हमारी घूमती थी वंदे भारत पूरी ऐसे उल्टी हो जाती थी नहीं हर एक सीट दे ऊपर स्क्रीन लगी है और डस्टबिन देता हुआ बड़ा प्यारा जो इसे देख सकते हो तुम अरे किस में बस दिन था चार्जिंग तो याद नहीं है इंटरनेशनल है चाइना की है तभी तो इंटरनेशनल लगा रखे हैं कॉल बटन है इमरजेंसी कॉल या फिर होता हमारे में तो नहीं था कॉल बटन होगा है ना था मुझे तो कुछ भी नहीं याद मेरे को फिर से जाना पड़ेगा बढ़िया सिस्टम है सीटें बहुत लंबियां चौड़ियां खुलियां डुलियां कंफर्ट जियां ने सारा कुछ है ना ये गुच्ची का रहा किसका है उधर देखो भाई साफ भी कर रहे हैं साफ तो कर रहे हैं शीशा पीछे भाई कपड़ा या क्यों लेके झाड़ रहा सीगा ये तो इथे भी है सारे नहीं हमारी सारे शीशे साफ किए जा रहे हैं और स्क्रीन मैं थोनो इदा दिखा देना वैसे हमारी पूरी यू वो स्क्रीन चलता है इनका हमारे में तो स्क्रीन नहीं था वंदे भारत में नहीं है स्क्रीन ये नहीं चलता वही लोग बोले तो चलता नहीं है ये चलता रहा चाइनीज है ना तब भी तो मैंने कहा था चाइना का माल है कराची तो चल दी है भाई ने दस्या भी इत्थे दा पानी पूनी ते और सारी चीजें खाना वीड होता है कि आप चाइनीज देख रहे हैं लिखा रहा है ओदे करके कहंदा भी इत्थे रुकदी है 20 मिनट हुण जिवें लेट है ट्रेन तकरीबन 1.5 घंटा इत्थे लेट पहुंचे तां भी 20 मिनट रुकूगी कराची तो चल के हैदराबाद रुकदी है रोनी रुकदी है बावलपुर रुकदी है ओ आप समझ गए खानेवाल रुकदी है ते उस तों बाद लाहौर लाहौर तों अगे इस्लामाबाद दे नेड़े वाला जिहड़ा भी स्टेशन अच्छा खानेवाल में नहीं थे जांदी है आ देखो भी पक्खे वगैरह सारे तो पर एसी नहीं है सोनी कीती हुई है ये मुझे लग रहा है चाइना से जब आई है उसके बाद इन्होंने अपने पंखे लगाए हैं कि एसी नहीं यूज करेंगे दे हैव पुट देयर ओन फैंस नहीं इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्शन करेंगे सब उन्होंने अपना नहीं हो तो अंदर से करा ओ कुंडियां करनी जगह टंगन नु जिड़ियां होनी चाहिए वो भी है ये सारा कुछ विकास भाई ट्राई कर रहे थे चलाने का चल नहीं रहा था एक दिन इदा किदा हो सकता शुरू होने के बाद चलेगी इलेक्ट्रिसिटी दोबारा इनका चार्जर ही खराब निकला चल रहा है भाई चल रहा है पंखे क्यों है ये पूछ खाली है सारी दी सारी किते मर्जी बैठो कराची तो रात नहीं नहीं रिजर्व नहीं है ते अगले दिन खाली है पर चेंज कर तकरीबन 22 घंटे लाउंदी है कराची तो इस्लामाबाद तक पहुंचण दे ट्रेन एसी पार्लर जेडी ए क्लास है ना एसी दी टिकट जेडी है 10,000 पाकिस्तानी रुपए दा यानी कि इंडिया दे हो गए और तकरीबन 3,000 रुपए 2900 या 3,000 इंडियन रुपीस और डॉलर दे विच ला लो तुसी आपे इंडिया के हिसाब से इंडिया के इधर बड़ा थोड़ा ठीक है भाई टिकट दा प्राइस 10,000 ठीक है 10,000 3,000 ठीक है काफी पैंदा किलोमीटर दे हिसाब नाल 1,000 तो उत्ते ही होगा 12-1300 सो ए देखो भाई खाने वाले तो लाहौर दा रेट है देखो इते पांच तरह नहीं अच्छा खाने वाले से जा रहे हैं 1900 दी इकॉनमी बर्थ है 1950 दी एसी लोअर स्टैंडर्ड बिजनेस बेटर 2500 दी एसी पार्लर 2950 दी ते एसी बिजनेस है जेडी सब तो उत्ते वो बस सोने वाली है 3300 दी ये सोने वाली है एसी बिजनेस जाके दिखाओ मैं बिजनेस जरा रुपीस का साइन यूज नहीं करते वो हो सकता है सिर्फ इंडिया का ये साइन है इन्होंने इंडिया का कन्वर्ट करके लिखा होगा ना क्योंकि 3000 तो इंडिया का है आरएस लिखते हैं ये लोग आरएस लिखते हैं पाकिस्तान अरे ये इंडिया का रुपी है 3000 जो भी पॉइंट है दे डोंट यूज द रुपी सिंबल जो इंडिया का ही है इसमें तो सिर्फ वही जैसे वंदे भारत में कि तुम्हारे टिकट के अंदर ही पैसा होगा इनके में टेबल कहाँ है टेबल नहीं है टिकट चेक कर दिखा दो हाँ इनके पास भी कुछ सिस्टम तो है चेक करने का शुक्रिया जी बार कुछ स्कैन किया कुछ तो है वो चाइना ने दिया होगा ना पूरा सेटअप किया एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम ऊपर टंग क्या टंगा हुआ क्या कपड़ा सा टंगा हुआ ऊपर वो क्या है देखना अभी इस ऊपर छत पे देखो बहुत मुंह फटो हम अभी इस ज़हन के साथ बैठे हुए खाना आएगा और आएगा कि नहीं आएगा क्यों भाई जब आना चाहिए तो आएगा नहीं पाकिस्तान में नहीं आता बोल के इस बात का आपको डर है क्यों अंदर बातें छुपा के रखते हो जो दिल में है वो जुबान पे लाओ ऐसा ही खरे बंदे बनो ऊपर देखना कुछ कपड़ा सा अभी इच्छे ना जिमें आज जिसे जिसे अब सीट पे बैठना इच्छे बिल्कुल मैट लगया हुआ है वचाले नहीं लगया हुआ है उधर देखो इधरले पासे सारा लगया हुआ है जिहड़ी सीट है इत्थों दब के तुसी जिहड़े पासे चाहो घुमा सकदे जिवें कि आ देखो मैं तुहानूं घुमा के दिखा दिंदा इत्थे दबिया ते पूरी दी पूरी सीट है जिहड़ी ना घुम जांदी है इदां कल्ले बंदे तों शायद घुमणी मैं थोड़ी देर रुको टरन लगी है विकास भाई कहिंदे मेरी वीडियो बनाओ इदां किद्दां भाजी ओ हॉर्न वज पिया
नहीं तोड़ दी हले ओ क्या लाइट कट गई कहंदा लाइट कट गई लाइट गई उत्या ओ लगी है रे भरन वास्ते पाइपां पानी के लिए पानी भरने के लिए चलोगी नहीं वो कह रहे लाइट चलेगी अब चलेगी नहीं पर ये तो डीजल वाली है ट्रेन दा भाई पायलट साहब मेंटक विच जो हॉर्न ज्यादा मार देंदे है पर तोड़ दे नहीं मेरे साथ इंजन ही ला के लेके यार इधर तक गया इंजन वंदे भारत हमारी कितनी स्टाइलिश है सुंदर थोड़ी डिफरेंट है पार्लर कार इंजन ही आगे से चला गया पानी भरने वाले हूं पर पाकिस्तान रेलवे लिखे आया नान आ गया चटनी वगैरह ते सारा कुछ खाना भी है चलो मेरे वाला भी तुसी चखो तुसी डेढ़ डेढ़ खाना खाओ इधर आ गया क्यों ये क्यों नहीं खा रहे रायता देके गया है इधर भी दो खाने ने आ देखो इधर घूम दिया सीट में दूसरे पासे घुमा रहे सी गलत इधर आ देखो आ दब के ते इनु इधर कर दो ते लाओ भी इधर मुंह जेड़ा हमारी दूसरी साइड पूरी नहीं होती थी जहाँ तक मुझे सिर्फ शीशे तक होती थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा वो तो याद ही नहीं है हौली हौली तुरूगी तेल पानी चेंज कीता लगदा क्या मुझे बिजनेस वाली दिखाओ ढाई घंटे लेट निकल मुझे बिजनेस वाली देखनी है जिसमें सोने वाला है ढाई घंटे लेट हो गई तीन पैंती ते हुण ढाई बजे तक तुरी है तो दो पैंती दे तीन घंटे लाड़ो साढ़े पांच छे बजे तकरीबन पहुंच चुके वहां पे भी लाइट चली गई होगी ना तभी लेट थी इनके पास ये इनकी स्पीड है ये फास्ट ट्रेन है अभी तो बड़ी स्लो है सोया था इसी भी रोक दे नहीं पर हले तुरी नु 15 मिनट भी नहीं हुए ते छे किसे बिया वांज च रोक लिया कोई स्टेशन तो नहीं आया क्रॉस पे गया मैं लगा और कोई दूसरी ट्रेन आ गई क्रॉस हो गए फिर गवादी का लेट होती जाती है ट्रेन का भी टाइम होता सही टाइम पे तुरी जावे फिर तुरी जाती है ये एरिया तो साफ लग रहा है ये एरिया तो नीट एंड क्लीन अच्छा लग रहा है ठीक है 110 पे जा रही है मिट्टी उड़ रही है मिट्टी उड़ रही है वेजिटेशन है ना वही कौन नीचे खड़े हैं ओए होए भाई अच्छा ऐसी चाह देना बड़ी शानदार जी चाह कॉफी है पैसे ले लिए 100 दी एक सी मतलब 30 रुपए फ्री नहीं है खास महंगी नहीं लाई यार अच्छा कॉफी टी दो नोट आपा देता सी बाकी वापस ये फ्री में नहीं था खाने में साथ में वंदे भारत में तो सब कुछ मिल रहा था ए भाई ओकाड़ा शहर है जितो आपा नंग रहे इस टाइम ओकाड़ा दा स्टेशन नंग गया ते ए इधरले पासे मान जे इधरों जा रही ट्रेन जे इधरले पासे मैं कहवा ता अपना फाजिल गए तो सिर्फ 60-65 किलोमीटर या बाय एयर बाय रोड 80 किलोमीटर दे नेड़े तेड़े है सो ओदे नाल नाल मतलब कह लो पैरेलल मैं इधर इधर नाल नाल चल रहे हैं इस टाइम भाई ट्रेन दोबारा रुक रही है रोक रही है6-7 घंटे लेट हो चुकी है
कहीं रुकती नहीं, बीच में रुकती है। तीन होता और इधर रुके। इंशाल्लाह रात 10 बजे तक चलेगी। इंशाल्लाह रात 10 बजे तक पहुंचा ही देगी। और स्पीड के साथ लगा। भाजी यहां तो टप जाऊंगा, मेहंदी तो टप जाऊंगी। कोई बात नहीं। दोबारा लगवा देंगे। भाजी दोबारा लाओ। फिल्म भेज लेंगे। ऑलमोस्ट लाहौर पहुंचने वाली है ट्रेन हुण, ते इहदा पहुंचण दा टाइम सीगा 12 बजे 5 मिनट दे उत्ते चल के 3:35 ते इत्थे पहुंचण दा, पर ऑलरेडी 6:35 दे उत्ते टाइम हो चुक्या है, मतलब 3.5 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुकी है, ते 40-45 मिनट होर ला दूगी लाहौर पहुंचण दे, मतलब 4 घंटे तकरीबन सानू लेट पहुंचाऊगी। ट्रेन तां बड़ी शानदार सीगी पर हुण लेट हो गई भाई, की कर सकदे आ। इस्लामाबाद तक हमने ट्रेन इस बाद अगर जाऊगी तो उस तो अगर जाते जाते 7-8 घंटे लेट हो जाऊगी, क्योंकि राह के ना ट्रेना तेन दो ही नहीं है, क्रॉस दो ही ट्रेन ने किया, पर यह की है भी यदि स्पीड हैगी 110 मैक्सीम 120-125 तक होगी, पर 110 चलती है। तो आम सधारण ट्रेना जी पाकिस्तान वो चलती 70-80-90 तक, हो सकता उन्होंने मैक्सीम स्पीड 110 तक हो, पर 70-80-90 चलती हैं, स्लो है। तो ये मतलब हूँ जा रही है लेट होगी तो बई यही गलती है, वो अगे वाली जो उत्ते ज़्यादा चढ़ जाती है फिर थोड़ी देर रुकती है, तो वह गांह जाए ने तो फिर ये पिछों तुरदी है, तो या फिर जो कोई उधरों ट्रेन आँदी है जिम्मे एक दो नहीं है तो बई उन्होंने क्रॉस भी इन्हों देना पैना, जो सही टाइम पर होता फिर तो सही तुरी जाती है, तो हमेशा ऐसी गड़बड़ चलती रही है पूरे टाइम, लेट ही कम तुरै जाता, सो ये हो रहा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, हम कुछ ही देर में लाहौर स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। फाइनली समा आ गया, बैग चेक करने का कुछ रह ना जावे, ऐसी बोलता है यार, बैग लाने हैं, खाली थी, चलो क्या हुआ था ये सब जो वेले हो रहे हैं, कुछ चल नहीं रही ना गाड़ियां, जो मिले सी वो कहते हैं ना ट्रेन खराब हो गई सी, कोई मसला बन गया सी, ता लेट है, चलो भाई लैंड चला भी, चलो जी चलो, अंधेरा हो गया, 4 घंटे लेट, 5 घंटे लेट, उनके हिसाब से शानदार होगी, वहाँ की ऐसी सारी ट्रेन हो गए, अगर सारी ऐसी हो। विकास भाई ने दो जने नूं गड्डी दा कहा, दो जने आउणगे ते इक विकास भाई लैके जाणगे, इक सानू लैके जाणगे, चलो जी चलो, इत्थे बहुत अलग अलग जा रहे हैं क्या, थक बहुत गए, शादी में जाना है शायद, अपने बंदे नजर नहीं आ रहे मेनू, लो जी साडी अगे वाली है, चलो जी ठीक है ठीक है, साडी गड्डी अगे वाली होवे, इरफान भाई आ गए आ, इरफान भाई लै चलो हुण छेती छेती सानू साडे टिकाने ते। मजेदार था फर्स्ट पार्ट देखना, उसमें भी बड़े काफी चीजें मजेदार थी, और सेकंड पार्ट तो उससे भी मजेदार था कि उन्होंने बताया था कि ये नॉन स्टॉप चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं, वो कहते हैं अभी निकल रही है स्टेशन से, पहले तो लेट आई, उसके बाद लेट आने के बाद वहीं स्टेशन पे ही रुकी रही, वो वहां पे भी टाइम पे उसके बाद नहीं चली, उनकी बिजली नहीं थी क्या था, और फिर आगे थोड़ी सी दूर में जाकर फिर रुकी, फिर इंडिया में भी आप कह सकते हैं कोई 25-30 साल पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं होता, जो जो हम लोग मतलब कॉलेजों में वगैरह थे तब होता था ऐसा कि 6 घंटे लेट हो गई, 6 घंटे तक सुना था, 8 घंटे बड़ा रेयर होता था, 8-6 घंटे लेट हो जाती है ऐसा कुछ होता था, और अब इनके यहाँ पे अभी भी ये चल रहा है कि 6 घंटे नहीं, वंदे भारत के साथ अगर कंपेयर करो, मैं तो उसके साथ करूंगी ना, जिस तरह की ये गाड़ी है, जिस तरह से इन्होंने चाइना से ले, देखो डिफरेंस बताती हूँ, ये आई है चाइना से, हमारी वंदे भारत जो इसी टाइप के वो बनी है इंडिया में, उससे बेटर भी है, और इससे डेफिनेटली बेटर है, इसमें पुराना अंदर से खचड़ा खचड़ा टाइप लुक आ रहा था, मुझको तो आ रहा पुरानी हो चुकी थी, और जबकि मैं जब वंदे भारत में घुसी थी मेरे मुंह से वाओ निकला था, कितना हो नहीं पा रही है इस वजह से, इसका ये हाल हुआ है,
मुझे तो नहीं समझ आया। मुझे लग रहा है कि चाइना से जब आई है उसके ऊपर से इन्होंने खुद अपने पंखे लगाए। बताओ भैया, अगर आपको पता है जरूर बताना, और अगर आप पाकिस्तान के तो कर, क्योंकि पंखे तो चाइना से आएंगे ही नहीं, खासकर जब कोई वो एसी है। उन्होंने बोला भी है कि ये एसी पार्लर है, तो एसी में कैसे? इंडिया की वंदे भारत में पंखे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कोई पंखे नहीं थे। और इन्होंने बाथरूम नहीं दिखाया, इनका बाथरूम भी तो दिखाना चाहिए था। मुझे बिजनेस क्लास भी देखनी थी, जो कह रहे थे सोने वाली है मेरे को। नहीं मगर ठीक है, इसका मतलब ये उनके पास ग्रीन लाइन है, एक ही है, कम चलती है मगर है ग्रीन। कह रहे ग्रीन लाइन है, एक ही ट्रेन है, एक ही ट्रेन, मतलब ऐसे जैसे हमारी वंदे भारत तो इतनी सारी हैं जो जगह जगह जा रही हैं, ये एक ही इनके पास पूरे पाकिस्तान में ट्रेन है। और ये पता नहीं कब आई होगी, और ये ट्रेन जो डीजल है, और इसमें ग्रीन लाइन के अंदर जो डब्बा है बस एक यही है मेरे ख्याल से, एसी पार्लर और एक बिजनेस जिसमें उसका होगा। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान है मोस्टली सब डीजल है, तभी तो वो कह रहा था कि भैया जब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन ही नहीं है तो बोल क्यों रहे बिजली चली गई, तो बिजली नहीं, अच्छा पानी भरने के लिए लाइट चाहिए थी, पंप नहीं चलेगा, पानी नहीं भरा। मैंने सोचा ट्रेन, वो कहते भैया इंजन में हटा दिया है तो जाएगी कैसे, बड़ा मजा आ रहे थे। और खुद जो वहां से पाकिस्तान वाले थे वो भी ही वॉज ऑल्सो लाइक कि अब समझ में आया कि हम ट्रेन में क्यों नहीं जाते हैं, तो इस वजह से हम ट्रेन में नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे काफी मजाक और हंसी मजाक वाली जगह थी जहाँ पे हंसी नहीं रुक रही थी हमारी, पर मजेदार था। पर इससे ये जरूर प्रूव होता है कि उनके पास ऐसी एक ट्रेन है हमारे वंदे भारत टाइप की जो इन्होंने चाइना से मंगवाई थी। वेरी नाइस। हाँ तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।